गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, आप सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद करते हैं? अपनी नानी के घर या फिर किसी हिल स्टेशन पर? आप वहाँ जाते कैसे हैं? बस से, ट्रेन से या फिर हवाई जहाज से? अब बच्चों, ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या फिर दो जगहों के बीच की दूरी कितनी है? इन सवालों के जवाब के लिए आइए चलते हैं पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन में। बच्चों, आज हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, यानी कि हमारे पास कई प्रकार के यातायात के साधन हैं। यातायात के साधनों को हम मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्थल पर चलने वाले, यानी कि जमीन पर चलने वाले यातायात के साधन, यानी कि अगर हमें बाय रोड जाना है कहीं भी, तो उस प्रकार की यातायात के साधनों को हम स्थलीय यातायात के साधन कहते हैं। इनमें ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल आदि आते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार के यातायात के साधन है जलीय यातायात के साधन, जैसे कि नाव और पानी के जहाज। जब हमें पानी के रास्ते से कहीं जाना हो तो हम जलीय यातायात के साधनों की मदद लेते हैं, जिनमें नाव और पानी के जहाज मुख्य रूप से आते हैं। तीसरे हैं हमारे पास वायु में चलने वाले यातायात के साधन। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान कुछ ऐसे ही यातायात के साधन हैं। तो बच्चों, क्या मनुष्य के पास इतने सारे यातायात के साधन शुरू से ही थे? क्या मनुष्य शुरू से ही गाड़ियों में घूमता था या हवाई जहाज में बैठकर मीलों की दूरी को तय करता था? नहीं। और इस सब को डिटेल में जानते हैं यातायात की कहानी में। आइए जानते हैं यातायात की कहानी में कि कैसे मनुष्य हवाई जहाज तक पहुंचा। बच्चों, पहले मनुष्य के पास किसी भी प्रकार का यातायात का साधन नहीं था, वह अपने ऊपर निर्भर था, यानी कि वह पैदल चल के दूरियों को तय करता था। जब वह पैदल चलता था तब सामान को अपने कंधे पर या अपने सिर पर रखकर चलता था और दूरी को तय कर लिया करता था। उसके बाद मनुष्य ने पशुओं की मदद लेना सीखा, जैसे कि गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, इन सब की मदद से मनुष्य दूरियों को तय करने लगा। वह सामान को इन जानवरों पर रख देता था या फिर खुद भी इन जानवरों पर बैठकर दूरी को तय करता था। उसके बाद मनुष्य ने बना डाली नाव। उसने पेड़ों को काटकर नाव की मदद ली पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और नाव का आइडिया मिला उसको मछली से। जैसे मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, पॉइंटेड होता है, दो एंड से, और वो आसानी से पानी में दौड़ती है, इसी तरह से नाव की आकृति भी कुछ दोनों हिस्सों पर पॉइंटेड बनाई गई और सेंटर में खोखली, जिसमें बैठकर मनुष्य इजिली पानी के रास्ते से दूरियों को तय करने लगा। और फिर आविष्कार किया गया पहिए का। पहिए के आते ही क्रांति आ गई। इतनी तरह के यातायात के साधन बनने लगे जिनमें पहिए का इस्तेमाल होने लगा। पर पता है बच्चों, पहिया सीधा यातायात के साधनों में इस्तेमाल नहीं हुआ। हजारों वर्ष तक मनुष्य को यही नहीं पता था कि पहिया जो है इन कामों में यूज किया जा सकता है। हजारों सालों से तो मनुष्य पहिए से सिर्फ बर्तनों को बनाता था। पर बाद में जब एक बार पहिए का यूज होना शुरू हुआ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में, फिर तो दुनिया ही बदल गई। और आज तक भी आप देखते हैं हर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम पहिए का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाड़ी हो या फिर हवाई जहाज। पहिए
पहिए के आविष्कार के बाद वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका इस्तेमाल किया गया रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों में। ट्रेन और मालगाड़ियों की मदद से मनुष्य आसानी से सामान को भी इजिली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने लगा और खुद भी बहुत दो ज्यादा डिस्टेंसेस भी जो है वो ट्रैवल करना सीख गए। इसके बाद आई मोटर कार, बस और ट्रक। साथ ही साथ 1925 में पहली बार भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल हुआ। और आज बेटा जितनी भी हम ट्रेन्स यूज करते हैं सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती हैं। उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया हवाई जहाज का, और दुनिया ही बदल गई। हम मीलों की दूरी कुछ घंटों में ही तय करने लगे। तो देखा बच्चों, अब हमारे पास पैदल चलने से लेकर मनुष्य ने कितनी तरक्की कर डाली। कहां वो पैदल चलता था और अब वो हवाई जहाज में उड़ने लगा। अब बच्चों ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सा यातायात का साधन इस्तेमाल करना है, ये हम कैसे डिसाइड करें फाइनली कि हम हवाई जहाज में बैठकर जाएं या पशुओं की मदद लें या फिर बस ट्रक में बैठकर जाएं। तो इसके लिए हमें यह देखना होता है कि दो जगह के बीच की दूरी कितनी है, दूरियों को कैसे नापा जाता है, ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.